सब्सक्राइब कीजिए नंबर वन प्रॉपर्टी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज मैं आया हूँ धामनी विलेज में। ये कड़जत स्टेशन से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है और आज जो प्रोजेक्ट का इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और ये जो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक बंगलो है, रेडी बंगलो। ठीक है, मैं इसका डिटेल्स पूरा दूंगा आप लोगों को। ये दिस बंगलो इज़ फॉर सेल, तो आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा। इससे पहले आप लोग इसका व्यू देख लीजिए। हर तरफ आप लोगों को वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा, हर तरफ माउंटेन है, और अभी तो बारिश का मौसम चालू होने वाला है, तो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, पीसफुल एरिया है। और ये वन प्लस बंगलो है, यहाँ पर देख सकते हो आप, सोलर पैनल लगा हुआ है, ये वाटर टैंक है, और ये हम अभी टेरेस में खड़ा है, तो टेरेस का जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर नीचे जाके पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, और प्राइस के बारे में मैं वीडियो का एंड में बता दूंगा क्या इसका प्राइस है। और ओपन प्लॉट भी है जो हम वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को, ड्रोन शूट वगैरह सब कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, आपको भी पसंद आएगा। और अगर आपके पास बजट है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर बंगलो लेकर, या तो प्लॉट लेकर बंगलो बना सकते हो, या रेडी बंगलो लेकर अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपना वीकेंड बना सकते हो, फैमिली के साथ आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नीचे चलते। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो एकदम रोड टच में ये बंगलो है, हर तरफ कंपाउंडिंग है चारों तरफ, और ये मेन एंट्रेंस गेट है। हम अभी एंट्री ले रहे हैं, एकदम सिंपल गेट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा गार्डन एरिया है बंगलो का सामने, 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ है, और 3,200 स्क्वायर फीट में बंगलो बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस है, आप अपना हिसाब से प्लांटेशन कर सकते हो। प्लॉट का अंदर बड़ी बड़ी मैंगो ट्रीज़ है, सीज़न में आप लोगों को फ्रेश मैंगोज़ मिलेगा। और ये है 4 BHK का बंगलो, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, आलीशान आप कह सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये एंट्रेंस लॉबी है, 3,200 स्क्वायर फीट में ये 4 BHK का बंगलो एकदम रेडी है, आप लोग अभी आके रह सकते हो। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में हर एक चीज़ दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर देख सकते हो हम अभी एंट्री ले चुके हैं हॉल का अंदर। ये देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है, ये देखिए बहुत ही लेविश हॉल है इसका, और यहाँ पर ओपन रूफ मिल रहा है, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट आएगा आपका हॉल का अंदर। यहाँ पर फ्रेंच विंडोज़ है, दो बड़े बड़े विंडोज़ है 3 स्लाइडिंग के साथ, और डाइनिंग टेबल देख सकते हो आप बीच में है, और ये है किचन, किचन एरिया एकदम हॉल के साथ है। और यहाँ पर देख सकते हो कॉमन वॉशरूम है, ये देखिए काफ़ी बड़ा वॉशरूम और काफ़ी लग्जूरियस, बहुत मस्त डिज़ाइन है। यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट बेडरूम है, नॉर्मल बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, तीनों मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर भी देख सकते हो फुल साइज़ का फ्रेंच विंडोज़ है, और बहुत खूबसूरत व्यू आता है बाहर का। चलिए ऊपर चलते हैं और बाकी तीनों बेडरूम देख लेते हैं, और प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को वीडियो का एंड में बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर तीनों बेडरूम है, और यहाँ से हॉल देखने के लिए मिलता है, ओपन हॉल है। ये देख सकते हो इस तरफ ओपन स्पेस है, गैलरी है बहुत बड़ा, कॉमन गैलरी। और चलिए देखते हैं वन बाय वन तीनों बेडरूम देख लेते हैं पहले, फिर हम टेरेस में भी जाएंगे फिर एक बार। यहाँ पर देख सकते हो ये वॉशरूम है मास्टर बेड का, काफ़ी अच्छा टाइल्स है, मार्बल है, और अंदर ग्लास भी है टॉयलेट और बाथरूम का बीच में। यहाँ पर देख सकते हो ये बेडरूम है, ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ का बेडरूम है, और यहाँ पर भी फ्रेंच विंडोज़ है फुल साइज़ का, और बहुत बड़ा गैलरी है ये देखिए, और व्यू बहुत खूबसूरत है देख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी दोनों बेडरूम देखते हैं। यहाँ से हम निकाल के ये एक बेडरूम देख सकते हो, सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, ये देखिए सेम साइज़ का बेडरूम है लगभग,
किंग साइज़ बेड रखा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी बहुत साइड में आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, आप अपना हिसाब से वार्डरोब वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर भी फ्रेंच विंडोज़ है फुल साइज़ का, और यहाँ पर एक छोटी बालकनी है, गैलरी है, लेकिन फिर भी आप बाहर खड़ा हो सकते हो। बहुत सिंपल डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देख सकते हो ये वॉशरूम है इस वाला बेडरूम का, वेंटिलेशन अवेलेबल है, और ये बाथिंग स्पेस है, बहुत खूबसूरत टाइल्स लगा हुआ है। ये देख सकते हो टॉयलेट है, वेस्टर्न इंग्लिश सीट यूज़ किया गया, यहाँ पर मिरर है, और ये वॉश बेसिन है काफ़ी बड़ा साइज़ का। चलिए अब देखते हैं फोर्थ बेडरूम। यहाँ पर देखिए हम अभी एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो सेम साइज़ का बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम, और यहाँ पर भी आप लोगों को बड़ी गैलरी मिल रहा है फ्रेंच विंडो के साथ। व्यू बहुत खूबसूरत है, सुकून वाला जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, और रेनी सीज़न में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। और ये वॉशरूम है, ये देखिए सेम वॉशरूम, सेम डिज़ाइन, सेम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, एंड ब्यूटीफुली फर्निश किया गया। चलिए आप बात कर लेते हैं इस बंगलो का प्राइस का। तो ये 2.3 CR का बंगलो है, कोटेड प्राइस है 2,30,00,000 रुपीज़। आपको अगर 3 BHK का बंगलो चाहिए तो भी आप लोगों को मिल जाएगा 1.6 CR 1,30,00,000 में। ये कोटेड प्राइस है, नेगोशिएबल है, आप लोग विज़िट करने के लिए आ सकते हो और ऑन टेबल नेगोशिएट कर सकते हो, स्पॉट बुकिंग ऑफर अवेलेबल है। ये बैक साइड का व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय, फिर मिलेंगे।